दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मोती आखिर कैसे बनते हैं, लोग कैसे और किस तरह से मोती की खेती करते हैं और लाखों कमाते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, और अगर आप इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप में से अधिकांश लोगों ने इस जीव को जरूर देखा होगा जिसके अंदर से मोतियों को निकाला जाता है। मोती छोटे और गोल गोल सफ़ेद रंग के पत्थरों के टुकड़ों की तरह दिखाई देता है, जिसका इस्तेमाल सजावट में गहनों के रूप में किया जाता है। दोस्तों, समुद्र में घोंघा प्रजाति के और जीव पाए जाते हैं जिनके पेट के अंदर मोती बनता है। अधिकांश लोग यह सोचते हैं कि यह जीव इन्हें पैदा करते हैं, लेकिन ऐसा सोचना पूरी तरह से गलत है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि घोंघा के ऊपर एक मजबूत कवच चढ़ा होता है जिसे सीप कहा जाता है, जो इस तरह से दिखाई देता है। जब कभी कभार इन सीप में से कुछ में किसी कारणवश छेद हो जाता है तो इनके अंदर बालू के कण चले जाते हैं, जिस कारण सीप के अंदर एक खास तरह के मटेरियल की परत चढ़ने लगती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसे दूसरे चीज़ों की तरह फैक्ट्रियों में नहीं बनाया जा सकता है। मोती एक समुद्री जीव के अंदर पनपता है, और इस मोती के जीव के अंदर पनपने का मुख्य कारण कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो इस जीव के अंदर उत्पन्न होता है, जो समय बीतने के साथ साथ यह एक चमकीले गोलाकार के पत्थर जैसा बन जाता है, जिसे मोती कहा जाता है, जिसे निकालने के बाद कुछ इस तरह का दिखाई देता है। दोस्तों, मछुआरे इन सीपों को समुद्रों और बड़े बड़े नदियों से इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में इनके अंदर से मोतियों को निकाल लेते हैं। लेकिन आजकल मोतियों की डिमांड बढ़ जाने की वजह से लोग इसकी खेती भी करने लगे हैं। इसके फार्मिंग के लिए लोग इन सीपों में आर्टिफिशियल तरीके से छेद कर देते हैं और उनके अंदर बालू के कण डाल दिए जाते हैं, जिसके कारण इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत चढ़ने लगती है, जो धीरे धीरे मोतियों के आकार में तब्दील होने लगती है, जिन्हें तैयार होने के बाद मोती के खेती करने वाले लोग बाद में इसे निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद इन मोतियों को पानी से अच्छे से धुलकर साफ कर लेते हैं। और सफाई हो जाने के बाद मशीनों से इन मोतियों में छेद किया जाता है। छेद करने के बाद इनके सुंदर सुंदर माला बनाकर या सजावट की चीजों में लगाकर मार्केट में भेजने के लिए रेडी कर देते हैं।